हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस एकेडमी। आई एम अल्फिया असलम और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता। इस वीडियो में आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते ही हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स है, फिगर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से ही पता चलता है कि ये इंडस रिवर के पास सिचुएटेड है। इंडस रिवर ये रहा और इंडस रिवर के पास ये सिचुएटेड है और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज चिनाब, रावी, झेलम, सतलज, इन नदियों के किनारे मेनली ये साइट्स हमें देखने को मिलेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और हड़प्पा जो है वो सबसे पहली साइट है जिसे डिस्कवर किया गया था। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द रिवर रावी एंड मोहनजोदड़ो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस इटसेल्फ। ये रहा धौलावीरा और ये लोथल। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, लगभग 5000 साल पहले बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन डेवलप हुए थे और ये मेनली जो है वो चार सिविलाइजेशन डेवलप हुए थे, द इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो रिवर नाइल के पास बसा, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो बैंक ऑफ द यूथ्रेट्स एंड टिग्रीस रिवर, द चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो होंगहू या फिर यंग तेज रिवर के पास ये सारे सिविलाइजेशन बसे थे। कि जब हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो हम लोग मानते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। 2500 बिफोर कॉमन एरा इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान में है और वेस्टर्न इंडिया के साइट। दो मेन सिटीज जो है वो फाउंड किया गया था, एक्सकैवेटेड किया गया था, एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को माउंट्स ऑफ डेड भी कहा जाता है, मुर्दों का पहाड़। हुआ क्या कि अभी जो है वो आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था, इस समय के लोग जो थे वे ब्रॉन्ज का यूज किया करते थे, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। इंडस वैली के जो लोग थे वो मेनली ट्रेडिंग सोसाइटी के थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका तीन फेज है। द अर्ली हड़प्पन फेज 3300 से 2600 बिफोर कॉमन एरा के पास, द मैच्योर हड़प्पन फेज जो है वो 2600 टू 1900 बिफोर कॉमन एरा के पास और द लेट हड़प्पन फेज जो है वो 1900 से 1300 बिफोर कॉमन एरा के पास हमें देखने को मिलेगा। एक्सटेंशन क्या था इस सिविलाइजेशन का? ये जो सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये बहुत दूर तक फैला हुआ था। ये कवर करता है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी। और ये कहाँ फैला था? तो जम्मू इन द नॉर्थ, नर्मदा एस्चुरी साउथ एंड फ्रॉम माकरन कोस्ट बलूचिस्तान, आलमगीरपुर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। अभी एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी उसे कहते हैं जब समुद्र का खारा पानी और नदी का साफ पानी जहाँ पर मिक्स होता है उस जोन को हम एस्चुरी कहते हैं। मेन साइट्स की हम लोग बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। और भी कुछ फेमस साइट्स हैं, कॉटडिजी, अमरी, चानुदारो जो अभी पाकिस्तान में है, बनावली हरियाणा, आलमगीरपुर यूपी, कालीबंगन राजस्थान, रंगपुर, रौजदी, लोथल एंड धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। लोथल एक ऐसा साइट था, एक ऐसा सिटी था जहाँ पे डॉकयार्ड फैसिलिटी देखने को मिलेगा। धौलावीरा एक ऐसा साइट था जहाँ पे जो सिटी था वो डिवाइडेड था तीन पार्ट में। चनुदारो वॉज द ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल। मोहनजोदड़ो जो था वहाँ पे एक्सकैवेटेड किया गया है द ग्रेट बाथ। प्लानिंग की हम लोग बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो सिटी था वो काफी प्लान तरीके से बनाया गया था, पूरा प्लानिंग करके इसे अच्छे तरीके से बनाया गया था। यहाँ का जो टाउन था वो डिवाइडेड था दो पार्ट में, एक था सिटाडेल जो ऑक्यूपाइड करता है रूलिंग क्लास के जो लोग थे, ये रहा ये सिटाडेल हो गया, और जो ये लोअर पार्ट है यहाँ पे लोअर क्लास के लोग जो कि मतलब कॉमन लोग जो थे वो यहाँ रहा करते थे, और जो भी फंक्शन वगैरह हुआ करता था उस समय पे रिलीजियस हो या कुछ एक्टिविटी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हो, वो सारा सिटाडेल में हुआ करता था। दूसरा जो हिस्सा था वो सिटाडेल के नीचे था, उसमें नॉर्मल घर हुआ करते थे। नॉर्मल का जो टाउन प्लानिंग था वो काफी सिस्टमेटिक वे में था और ये जो पैटर्न यूज करते थे वो था ग्रिड पैटर्न, ये लोग यूज किया करते थे। ये लोग बर्न ब्रिक्स का यूज करते थे घर को बनाने के लिए। और ग्रेनीज हमें मिली है इंपॉर्टेंट पार्ट हड़प्पा साइट से। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मोहनजोदड़ो का काफी इम्प्रेसिव था।
यहाँ के जो ड्रेनेज थे वो ड्रेन को ये लोग स्लैब से या फिर स्टोन से कवर कर देते थे, और एक मैनहोल भी था जिसमें कि जब सफाई करनी होती थी तो वो मैनहोल से वो लोग उस ड्रेनेज की सफाई किया करते थे। मतलब काफी यूनिक था उस समय पे, पूरे अच्छे तरीके से ये लोग प्लान तरीके से हर चीज यहाँ पे बनाया गया था। हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काफी ही यूनिक है। रानी बंगन में बहुत सारे ऐसे घर मिले हैं जिसमें घरों के अंदर ही वेल्स हुआ करते थे। एग्रीकल्चर की हम लोग बात करें तो ये लोग प्रोड्यूस क्या करते थे, वीट बार्ले बहुत लार्ज स्केल पे, अदर क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते थे, पल्सेस सीरियल्स कॉटन मेलन पी सीसम मस्टर्ड मिलेट्स आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ गुजरात। हड़प्पा विलेज जो है वो ज्यादा हमें फ्लड प्लेन्स के आसपास सिचुएटेड देखने को मिलेगा। इंडस के जो लोग थे वो कॉटन प्रोड्यूस किया करते थे, और ये लोग लकड़ी के हल का यूज किया करते थे खेती खेती वगैरह करने के लिए। आयरन का अभी कोई भी इन्हें नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था, इन्हें उतना पता नहीं था कि आयरन का यूज कैसे किया जाता है। फूड को स्टोर करने के लिए ग्रेनीज बनाया करते थे, जो कि हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कालीमंगन में इसके एविडेंसेस मिले हैं। एक्सकैवेटेड किया गया था तो ये सारे एविडेंसेस हमें यहाँ मिले हैं। एनिमल्स की हम लोग बात करें तो एनिमल्स जो है ये लोग विभिन्न प्रकार के जानवरों को पालते थे, जिसपे थे ऑक्सन शिप बुफेलोस गोट पिग एलिफेंट कैट डॉग एसेस एंड कैमल्स। ये सारे एनिमल को ये लोग डोमेस्टिकेट किया करते थे। ज़्यादातर इन्हें घोड़े का इतना पता नहीं था, हॉर्सेस के एविडेंसेस मिले हैं पर उतना वो लोगों को हॉर्सेस का यूज करना अच्छे तरीके से वे लोग नहीं जानते थे। डाउटफुल टेराकोटा के फिगर हमें मिले हैं लोथल से, जिससे पता चलता है कि ये लोग हॉर्सेस के बारे में जानते थे लेकिन अच्छे तरीके से उसके यूज के बारे में नहीं जानते थे। ये लोग बहुत पीस लविंग थे, इसलिए ये लोगों का औजार वगैरह जो है इस एरा में उतना हमें देखने को नहीं मिलेगा। हड़प्पन कल्चर जो है वो हॉर्स सेंटर नहीं है। इकोनॉमिक लाइफ की हम लोग बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर और ट्रेड किया करते थे, और हड़प्पा के जो लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। ये पॉटरी और वेविंग का भी काम अच्छी तरीके से जानते थे। गोल्ड सिल्वर कॉपर और ब्रॉन्ज का अच्छा नॉलेज था। ट्रेड किया करते थे क्लॉथ का, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स सबका। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की हम लोग बात करें तो हड़प्पा जो है वो लोग ब्रॉन्ज के बारे में अच्छे तरीके से जानते थे। वो लोग ब्रॉन्ज से बहुत बहुत तरीके की चीज़ें बनाया करते थे। हड़प्पन कल्चर जो है वो बिलोंग करता है ब्रॉन्ज एज से। ब्रॉन्ज बनता कैसे है, जब टिन और कॉपर को मिक्स किया जाता है तब ब्रॉन्ज बनता है। और ये लोग कॉपर कहाँ से लाते थे तो खेतारी कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान, और टिन ये लोग मंगवाते थे अफगानिस्तान से। हड़प्पा के जो लोग थे वो लोग बोट मेकिंग बीड मेकिंग सील मेकिंग ये सारा चीज ये लोग बनाया करते थे। टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट। पॉटर्स व्हील्स इज अ फुल यूज, ये लोग पॉटर्स व्हील का काफी अच्छे तरीके से यूज किया करते थे, और ये लोग पॉटरी बनाया करते थे। ग्लॉसी और शाइनिंग तरीके का ये लोगों का पॉटरी हुआ करता था। बहुत सारे बुने हुए कपड़ों के पीसेस हमें मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। बीड मेकिंग में ये लोग एक्सपर्ट थे। सील मेकिंग का ये लोग यूज किया करते थे मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से और सेफ्टी पर्पस से। ब्रॉन्ज फिगर मिला है एक डांसिंग गर्ल का मोहनजोदाड़ो से, और स्टैचू मिला है बियर्ड मैन का पेरिस्ट का। फिगर में हम लोग देख सकते हैं यह है टेराकोटा। टेराकोटा जो है वो चिकनी मिट्टी को पकाने से बनता है, और छोटे छोटे ये लोग इस तरीके का टॉयज वगैरह बनाया करते थे। ये रहा पॉटर्स व्हील्स, ये प्रीस्ट और ये है डांसिंग गर्ल, और ये जो है वो ब्रॉन्ज कारीगरी का एक अद्भुत नमूना हमें देखने को मिलेगा। ट्रेड की हम लोग बात करें तो इंडस पीपुल जो थे वो लोग ट्रेड पर रिलायंट थे। ये लोग ट्रेड जो है वो पर्शिया मेसोपोटामिया और चाइना के साथ किया करते थे। सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ भी ये लोग ट्रेड किया करते थे। सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है वो इराक का सिविलाइजेशन है। ये लोग किस चीज़ का ट्रेड किया करते थे तो टेराकोटा पॉट्स बीड गोल्ड सिल्वर कलर्ड जेम्स मेटल शेल्स ये सब चीज़ का ये लोग ट्रेड किया करते थे। ये लोगों के पास उस समय पे पैसा तो था नहीं, तो ये लोग मेटल मनी का यूज़ नहीं करते थे। ये जो एक्सचेंज का काम होता था वो बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम था वस्तु के बदले वस्तु देना, कमोडिटी टू कमोडिटी ये लोग एक्सचेंज किया करते थे। ये लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के ट्रेड बहुत अच्छा करते थे। हड़प्पा का जो कॉमर्शियली लिंक है राजस्थान अफगानिस्तान ईरान बलूचिस्तान और टिग्रिस से,
डस वैली के जो लोग थे उन्हें मेजरमेंट का अच्छा नॉलेज था। ये लोग ये सिस्टम यूज क्या करते थे, मल्टीपल ऑफ 16 में 16, 64, 160, 320, 640 के रूप में ये लोग यूज किया करते थे। हड़प्पा को आर्ट ऑफ मेजरमेंट का पता था। हड़प्पा के लोगों को सिक्सा डेसिमल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम का अच्छा नॉलेज था। सोशल लाइफ की हम लोग बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोसाइटी था वो तीन पार्ट में बटा हुआ था। पहला ग्रुप जो था वो सिटी में रहा करता था, सिटाडेल में। सेकंड ग्रुप जो थे वो मर्चेंट थे और ये जो थे वो ट्रेड और बिजनेस की एक्टिविटी सारा किया करते थे। थर्ड ग्रुप जो था वो फार्मर्स थे जो कि कल्टिवेट किया करते थे वीट और बार्ले वगैरह। ऑर्नामेंट्स की हम लोग बात करें तो ऑर्नामेंट्स जो था वो काफ़ी पॉपुलर था इस एरा में, मैन एज वेल एज वुमेन दोनों के लिए। मेन जो थे वो लोग पहना करते थे फ्लिट्स, नेकलेस, फिंगर रिंग्स एंड आर्मस्लेट, और वुमेन जो थी वो ऑर्नामेंट्स यूज किया करती थी इयररिंग, बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, ग्रिंडल्स एंड एंकलेट्स, ये सारा चीज ये लोग यूज किया करती थी। ऑर्नामेंट जो था वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आइवरी और प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन का बना हुआ था। रिलीजन की हम लोग बात करें तो इस एरा में कोई भी टेम्पल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हड़प्पा से कुछ ऐसे टेराकोटा हमें मिले हैं जिसमें शो करता है कि एक प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है वुमेन के एम्ब्रॉयज से। इसका मतलब है कि ये लोग फर्टिलिटी की काफ़ी पूजा किया करते थे। हड़प्पा से पशुपतिनाथ का सील हमें मिला है। पशुपतिनाथ जो है वो योगी पोस्टर में बैठे हुए हैं। इनके चारों ओर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे एनिमल्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग एनिमल्स और प्लांट्स की काफ़ी पूजा किया करते थे। ये लोग हम्प्ड बुल की भी पूजा किया करते थे। ये लोग मदर गॉडेस की भी पूजा किया करते थे और ये मदर गॉडेस का जो मूर्ति है वो पिंचिंग मेथड से बनाया गया है। हड़प्पा के जो लोग थे वो लोग काफ़ी सील यूज़ किया करते थे। ये सील ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज़ से, ट्रेडिंग पर्पज़ से और सेफ्टी पर्पज़ से ये सारे सील्स का ये लोग यूज़ किया करते थे। इंडस वैली स्क्रिप्ट की हम लोग बात करें तो इंडस वैली स्क्रिप्ट जो है वो पिक्टोग्राफिक है, कुछ इस तरीके का दिखता है, पिक्टोग्राफिक टाइप है, मतलब सिंबॉलिक है। स्क्रिप्ट जो है वो राइट किया जाता था राइट टू लेफ्ट, कुछ इस तरीके से ये लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से ये लिखा जाता था। और ये जो मैथड है वो बॉस्ट्रोफेडन मैथड कहलाता है। इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने का कारण क्या था, यहाँ सब चीज़ अच्छा था, लोग ट्रेड कर रहे थे, घर जो था जो भी यहाँ बनाया गया था वो काफ़ी वेल्ड तरीके से बनाया गया था, पूरा प्लानिंग करके यहाँ का हर चीज़ बनाया गया था, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का काफ़ी अच्छा था, एग्रीकल्चरिस्ट थे लोग, ट्रेडिंग सोसाइटी के लोग थे। लेकिन इसका डिक्लाइन होने का कारण क्या था, तो अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता नहीं चला है कि आखिर सडन डिक्लाइन होने का कारण, इसके पीछे रीज़न क्या था कि ये सिविलाइजेशन बहुत जल्दी ही समाप्त हो गई थी। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ट्राई कर रही हैं कि ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न क्या था, ये अभी कुछ खास पता नहीं चला है हमें। कुछ लोग मानते हैं कि फ्लड की वजह से ये एरिया जो है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका था, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज़ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो डिक्लाइन हो गया था। हो सकता है कि नेचुरल क्लाइमिटी भी आया हो, अर्थक्वैक, एपिडेमिक, कुछ ऐसा आया हो कि ये सिविलाइजेशन को ख़त्म करने का ये कारण माना जाता है। ये भी माना जाता है कि आर्यन जब यहाँ आए थे तो आर्यन और इंडस लोगों में बहुत लड़ाई हुआ था जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति हो गई थी। ये भी माना जाता है कि यहाँ का जो एरिया था वो इनफर्टाइल हो चुका था। मतलब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मोर वीडियोज ऑन हिस्ट्री प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन बाय बाय।